तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है दो नए गेम प्ले के एक और वीडियो में। सो आज की वीडियो में हम जा रहे हैं यहाँ पे ठंडल में, और यहाँ पे पहले ठंडल में तो हमें लगता है पहले कोई टीम नहीं आती, लेकिन यहाँ पे कुछ बंदे आते हैं, तो बस देखो कैसे आगे सभी बंदों की पिक्चर खराब करते हैं। यहाँ पे मुझे गन तो अच्छी खासी मिल गई थी, तो मैं अपने टीममेट से पूछा भाई यहाँ पे कोई बंदे आते हैं, लेकिन उसको भी नहीं पता यहाँ पे कोई बंदे आते हैं। तो मैं यहाँ पे जब आगे वाले घरों में जाता हूँ तो मुझे एक बंदा दिखता है, तो बस देखो कैसे उसकी पिक्चर खराब करते हैं। से इस घर में लूट करने के लिए था, तभी मुझे बाहर एक बंदा जाता है वो दिखता है जो कि हीलिंग करता है, तो बस देखो कैसे इसकी पिक्चर खराब करते हैं। अब पहले तो मुझे लगता है कि ये कोई बॉट रहता है, लेकिन यहाँ पे तभी मुझे एक और बंदे की फुटस्टेप आने लगते हैं, तो मैं समझ जाता हूँ यहाँ रियल बंदे भी हैं, तो मैं यहाँ पे अलर्ट हो जाता हूँ। और तभी देखो फिर आगे कैसे बंदों की पिक्चर ख़राब करते हैं। जैसे इस घर में आता हूँ तभी मुझे राइट वाले घर से फुटस्टेप आते हैं, तो मैं यहाँ से देखता हूँ उस बंदे की लोकेशन, तभी मुझे सामने बंदा दिखता है, तो बस देखो। अब ये बंदा शायद सोलवर्स स्क्वाड खेल रहा होता है, लेकिन ये बंदा उस बंदे का टीममेट नहीं रहता है, तो मैं इसको इजिली फिनिश कर देता हूँ। मेरा टीममेट उस नॉक वाले बंदों को भी फिनिश कर देता है। अब यहाँ पे कोई और बंदा नहीं रहता, तो यहाँ से हम लोग जल्दी जल्दी लूट करके निकल लेते हैं बंदों की तलाश में, तो बस देखो कैसे आगे सभी बंदों की पिक्चर खराब करते हैं। मैं जैसे यहाँ पे गाड़ी लेने आता हूँ तभी मुझे सामने एक बंदा दिखता है, तो बस देखो कैसे उसकी पिक्चर खराब करते हैं। अब इस बंदे को जैसे ही नॉक किया इसको तुरंत यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ, और मुझे सामने एक बंदा दिखता है जिसको मैं काफ़ी डैमेज करता हूँ, लेकिन वो कवर में चला जाता है। तभी मुझे सामने वाले घर से पड़ते हैं, तो मैं यहाँ पे पहले हील कर लेता हूँ, और मुझे पीछे कुछ बॉट आ जाते हैं तो मैं पहले उनको फिनिश कर देता हूँ। और यहाँ पे आगे वाले बंदे को पहले लोकेशन देखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे सीधा फ्लैंक कर देता हूँ उन बंदों पर, तो बस देखो कैसे आगे सभी बंदों की पिक्चर खराब करते हैं। अब यहाँ पे मेरा टीममेट उस बंदे को नॉक कर देता है जिसको मैंने पहले काफ़ी डैमेज दिया था, तो मैं यहाँ पे और कॉन्फिडेंस हो जाता हूँ थोड़ा कि यार भाई वो मेरा किल था तो मुझे वो किल चाहिए, तभी मुझे वो सामने बैठता दिखता, तो बस देखो। अब इस बंदे को भाई मैंने काफ़ी इजली मार दिया, क्योंकि मैंने अपना क्रॉस एयर ऊपर ही रखा था इसके हेड पे ही, तो मैं इजली इसको नॉक कर देता हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले मैं हील करता हूँ, तभी मेरा टीममेट आगे उन बंदों के पास पुश कर देता है, और उनका आखिरी बंदा मेरे टीममेट का तो मारा जाता है। और यहाँ पे हमने इजली इस टीम की पिक्चर खराब कर दी, और यहाँ पे हम लोग पहले जल्दी जल्दी लूट करके निकल लेते हैं आगे बंदों की तलाश में, तो बस देखो कैसे आगे सभी बंदों की पिक्चर खराब करते हैं। अब मैं गाड़ी लेके बंदों की तलाश में निकल लेता हूँ, और बीच में मुझे बहुत सारे वार्ड मिल जाते हैं जिनको मैं इजीली फिनिश कर देता हूँ। और मैं गाड़ी लेके यहाँ पे ड्रॉप पे आता हूँ, तभी यहाँ से एक गाड़ी गुजरती है, तो बस देखो कैसे उसको डैमेज देते हैं। अब ये बंदा तो हमसे बच के भाग जाता है, तो मैं इसका पीछा करने जाता हूँ, तभी मुझे लेफ्ट साइड से कुछ फायर की साउंड आते हैं, तो मैं वो इसको छोड़ के उस बंदों के पास चले जाता हूँ जिनके मुझे साउंड आते हैं, तो बस देखो कैसे आगे सभी बंदों की पिक्चर खराब करते हैं। अब ये बंदा पता नहीं किसी से फाइट कर रहा होता है, तो मैं यहाँ पे इस बंदे को ईजिली पिक्चर ख़राब कर देता हूँ इसकी, तो यहाँ पे पहले मैं अलर्ट रहता हूँ क्योंकि यहाँ पे और कोई बंदों हो सकते हैं, तो यहाँ पे मुझे एक कैंपर दिखता है, तो बस देखो कैसे उसकी पिक्चर ख़राब करते हैं। यहाँ पे मैं उस आखिरी वाले बंदों की तलाश में निकल लेता हूँ, तभी मेरा टीममेट बोलता है भाई सामने उस बाहर दरवाजे के बाहर एक बंदा बैठा है, तो बस देखो कैसे इसकी पिक्चर ख़राब करते हैं। अब ये बंदा पता नहीं क्या सोच के यहाँ बैठा होगा, लेकिन मैंने इसकी पिक्चर इजली यहाँ पे ख़राब कर दी। और हमारे यहाँ पे हमारे अलावा सिर्फ एक ही बंदा रहता है, और वो एक ही बंदा वही डासिया से भागा हुआ बंदा रहता है जिसको मैं अब इजली इसकी पिक्चर ख़राब करने वाला है, तो बस देखो। अब मैं जैसे ही यहाँ पे आता हूँ तभी मुझे लेफ्ट साइड में डासिया दिख जाती है, तो मैं समझ जाता हूँ कि वो बंदा आस ही पास है। तभी मेरे टीममेट को राइट साइड में ऊपर एक गन दिखती है, तो वो समझ जाता है कि भाई यहाँ पे बंदा है, तो मैं उससे बोलता हूँ भाई तुम रुक जाओ मैं ही उसको मारूंगा यहाँ पे, तो बस देखो कैसे आगे उस बंदे की पिक्चर ख़राब करते हैं।
ऊपर चढ़ते जाओ, बंदूक ऐसा दिखी उनको। पहले तो मैं इसको एस्ट्रल से फिनिश करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा यार चलो इसको M4 से फिनिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरी M4 आखिरी में रिलोड ले लेती है, लेकिन मैं इसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता हूँ, तो एस्ट्रल से भी इसको मैं इजीली फिनिश कर देता हूँ और यहाँ पे हमारा इजीली चिकन डिनर हो जाता है। अब इस मैच में यहाँ पे मैं दोबारा थर्डिन लाता हूँ और इस बार मैं डुअस स्क्वाड खेल रहा होता हूँ और यहाँ पे थर्डिन में बहुत सारी टीम आती है, तो बस देखो कैसे आगे सभी बंदों की पिक्चर खराब करते हैं। अब यहाँ पे इसी घर में मुझे हेलमेट वेस्ट और गन भी अच्छी खासी मिल जाती है, तभी मुझे एक बंदा यहाँ पे स्पॉट होता है और एक बंदे के यहाँ पे कुछ से भी आने लगते हैं, तो मैं यहाँ पे TPP लेने लगता हूँ, तभी ये बंदा सामने आता है लूट करने, तो बस देखो कैसे इसकी पिक्चर खराब पड़ते हैं। इस बंदे को जैसे ही डॉक किया तो मैं इसको किल सिक्योर करने के लिए यहाँ पे इसको रश कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कई सारी टीमें आती है, तो मैं सोच रहा था यहाँ पे मेरा कहीं किल ना चोरी हो जाए, लेकिन यहाँ पे मेरा टीममेट इसका किल कंफर्म करवा देता है और यहाँ पे बहुत सी टीम आ जाती है यहाँ पे रश करने, तो बस देखो कैसे उनकी पिक्चर खराब करते हैं। यहाँ पे आगे पीछे हर जगह बंदे आ जाते हैं, तो मैं सोचता हूँ पहले किन बंदों को मारूँ, तो यहाँ पे मैं पहले पीछे वाले बंदों को फिनिश करने आता हूँ, तो मैं यहाँ पे इस घर पे आ जाता हूँ और इस घर पे एक बंदा रहता है, तो बस देखो कैसे इसकी पिक्चर खराब करते हैं। फिर मैं उस बंदे को तो इजीली नॉक कर देता हूँ, तभी उसको फिनिश करने जाता हूँ, तो मैं नीचे गिर जाता हूँ, तभी मुझे नीचे एक बंदा दिखता है और वो ऊपर भागता हुआ आता है, तो मैं उसको भी ऊपर जाके नॉक कर देता हूँ और तभी मुझे DP से यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा डैमेज देता है, तो मैं पहले यहाँ पे हील कर लेता हूँ, तो मुझे सामने बंदा दिखता है, तो बस देखो कैसे उसकी पिक्चर ख़राब करते हैं। अब ये बंदे की हेल्थ भी शायद थोड़ी लो रहती है, लेकिन ये हम पे रश कर देता है, तो मैं इसकी पिक्चर ईजिली यहाँ पे ख़राब कर देता हूँ और यहाँ पे अभी भी कई बंदे बचे रहते हैं, तो बस देखो कैसे आगे सभी बंदों की पिक्चर ख़राब करते हैं। अब मैं जैसे ही सामने वाले घर में आता तभी मेरे पीछे एक बंदा पड़ जाता है, तो बस देखो कैसे उसकी पिक्चर ख़राब करते हैं। यहाँ पे जैसे इसको नॉक किया तो मैं इसको फिनिश करने जाता हूँ, लेकिन मेरी गन रिलोड पे आ जाती है, तो ये नीचे कूद जाता है, तो मैं इसको फिनिश करने नीचे जाता हूँ, तभी इसका टीममेट भागा भागा आता है जो कि मुझे डैमेज देता है, तो मैं यहाँ पे बाहर रहता हूँ, लेकिन ये बंदा उसका टीममेट जो रहता है यहाँ पे ऊपर चला जाता है, तो बस देखो कैसे आगे इसकी भी पिक्चर ख़राब करते हैं। अब इस बंदे की हम लोग इजली पिक्चर ख़राब कर देते हैं और यहाँ पे पूरा ठंडिल खाली हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी लूट करके निकल लेते हैं आगे बंदे की फ्लैश में, और यहाँ पे काफ़ी बंदे अलाइव रहते हैं, तो मैं सोचता हूँ यहाँ पे मेरे अभी भी काफ़ी ज़्यादा किल निकल जाते हैं, तो भाई लोग यहाँ पे लेकिन मेरी ही नज़र मुझको ही लग जाती है, तो यहाँ पे देखो भाई लोग आगे कैसे मरता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे आता हूँ तभी राइट साइड में पानी में एक ड्रॉप गिरा रहता है, तो मेरा टीममेट वहाँ पे ड्रॉप लगने जाता है और यहाँ पे सामने कुछ बंदे आपस में फाइट कर रहे थे, तो बस देखो अभी इस बंदे को जैसे ही नॉक किया तभी एक और बंदा मुझे सामने दिखता है, अब शायद वो बॉट रहता है, तो यहाँ पे मेरा टीममेट RPG से इस नॉक वाले बंदे को फिनिश कर देता है और मुझे किल मिल जाती है, तो यहाँ पे अभी भी एक बंदा रहता है, तो बस देखो अब ये बंदा तो बॉट रहता है, जिसको वो बंदा जिसको मैंने अभी नॉक किया वो फिनिश कर देता है, नॉक कर देता है, तो मैं इसको ईजिली फिनिश कर देता हूँ और यहाँ से बंदों की तलाश में हम निकल लेते हैं, तो बस देखो कैसे आगे सभी बंदों की पिक्चर खराब करते हैं। अब हम गाड़ी लेके यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, तभी मुझे सामने एक गाड़ी दिखती है और नीचे एक बंदा दिखता है,
अब जैसे इसको नॉक कर दे जाता हूँ गाड़ी से, तभी ये गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। और मेरे टीममेट पास यहाँ पे आरपीजी रहती है, तो मैं उसको काफ़ी देर से मना कर देता हूँ, भाई आरपीजी छोड़ दे, मरवाएगी तुझे एक बार ज़रूर। और यहाँ पे बिल्कुल ऐसा होता है, और यहाँ पे पूरी एक टीम रहती है, तो बस देखो यहाँ पे मेरा टीममेट कैसे नॉक होता है। अभी जो बंदा आया वो पता नहीं क्यों भाग जाता है, मुझ पर रश नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे एक मॉली खेलता होता है। और यहाँ पे मेरा टीममेट पहले एक बंदूक नॉक करता है और वहाँ पे नॉक हो जाता है टॉमी से, तो यहाँ पे मेरा टीममेट तो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाता है, और यहाँ पे उसके सारे बंदे रिवाइव हो जाते हैं। तो बस देखो मैं आगे कैसे मरता हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे इस नॉक वाले बंदों को तो पहले फिनिश कर देता हूँ। अभी मुझे एक और बंदा दिखता है और वो मेरे पे रश नहीं करता, पता नहीं क्यों यहाँ पे वो सब पता नहीं क्यों मेरे पर रश नहीं करता। अगर वो शायद से रश करते तो मैं उनको इजीली फिनिश कर पाता, तभी मैं यहाँ पे मेरा टीममेट फिनिश हो जाता और एक बंदा आता है जो को भाई वो मुझे कैसे मारता है। और इस बंदे ने पता नहीं मुझे कैसे टॉमी से मार दिया, लेकिन कोई बात नहीं। यही थी भाई लोग आज की गेम प्ले वीडियो, तो गेम प्ले अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक कर देना।